मर गए भाई, मर गए। कसम से बता रहा है, आम में हम लोग ध्यान नहीं दिए भाई, और पूरा वो लपट आम में लग रही है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज काफी दिन बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, लॉन्ग वाला। शॉर्ट वीडियो तो मैं डाल रहा हूँ, हालांकि मतलब मिनी ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, बट भाई आज थोड़ा एक इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से आज धूप में निकलना पड़ रहा है। और भाई सच बताऊँ, देखो दो ये देखो भाई, एकदम मेरे हिसाब से लग रहा है कि 45 समथिंग टेम्परेचर है अभी, 45 डिग्री सेल्सियस। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ रीवा, फिलहाल बाइक से ही जा रहे हैं अपन। तो रोहित को फोन किया था बट वो बिजी है, तो अभी नीतीश जा रहा है मेरे साथ। तो भाई अभी निकलते हैं, क्योंकि वैसे उतनी धूप नहीं लगती, हेलमेट पहन लो ना तो उतनी धूप फील नहीं होती है। और रास्ते मिल जाएगा अपने को रोहित, रोहित बोल रहा हूँ, रोहित का नाम आ रहा है। रास्ते मिल जाएगा अपने को नीतीश, और हम दोनों जा रहे हैं। वैसे उतनी खास धूप नहीं है, और बस गाड़ी वाली प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि गाड़ी भाई 100 cc की गाड़ी रहती है अपने पास, और उसके चांसेस रहते हैं कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और रोड तो पूरी सुनसान मिलने वाली है, क्योंकि मार्केट भी अपना सुनसान ही रहता है इतने टाइम पे। वैसे भाई हेलमेट वेलमेट लगा लो प्रॉपर, फुल स्लीव की टी शर्ट पहन लो या फिर शर्ट पहन लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लिटरली बता रहा हूँ ना, इतनी धूप तो आदमी सह ही सकता है यार। फिर भी हमारे यहाँ तो टेम्परेचर कम रहता है, बाकी जगहों पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कंपेरिजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ आज मिल रहा है तगड़े रिएक्शन, आज सब देख रहे हैं। तो भाई अभी इसको पिक कर लिया है, अभी चल रही है, और धूप तो बहुत भयंकर भाई, कुछ भी हो। वैसे हाथ पैर अगर ढक लो ना तो फिर उसके बाद उतनी भी लू नहीं चल रही है, ठंडी ठंडा मौसम एकदम से। सर्दी तो देनी पड़ेगी ना भाई, झूठी सही देनी तो पड़ेगी ना कि भाई चालू था बंद किया हुआ है। तो भाई अभी पोपट हो गया, मैं इतनी सारी बातें आधे घंटे से बोल रहा था करीबन, और ऐसा हो गया कि भाई कैमरा ही बंद था, मतलब फोन में कैमरा बंद था। और अभी फिलहाल अभी जस्ट मैंने उसको नीतीश को बोला पीछे से कि भाई कैमरा बंद कर दे, क्योंकि मेरे को दिखता नहीं ना आप प्रॉपर यहाँ से कि कैमरा बंद करना है कि नहीं बंद करना है, मतलब चालू है कि नहीं चालू है, वो नहीं दिख पाता है, विजुअल नहीं हो पाता मेरे को अच्छे से। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम कर, तू कैमरा बंद कर दे। तो बोला साले कैमरा बंद थे आई, चालू कर अभी अभी, जब से तू बोल रहा था कैमरा बंद था। तो मैंने बोला बताया क्यों नहीं, तो उसने बोला कि भाई कन्फ्यूजन हो गई थी। घर वालों के अकॉर्डिंग भाई हम लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं कि इतनी धूप में आ रहे, वो तो आने नहीं दे रहे थे भाई कि इतनी धूप में क्या करने जाओगे ये वो ऐसा वैसा। मैंने बोला भाई देखो है ना ऐसा ना वैसा, सबसे बड़ा पैसा, काम करेंगे कोई बात नहीं, और काम बहुत इंपॉर्टेंट था। पता नहीं क्या यार, मेरा ऐसा लग रहा है कि जो यूट्यूब चलाना है वो फ्रीज सा हो गया यार, क्योंकि उसमें ना कोई ढंग का व्यू आता है ना कुछ आता है, मेरा एक सिंगल शॉर्ट वीडियो नहीं चल रहा है भाई। लेकिन इतना भी नहीं ठल्ला वीडियो नहीं डालता हूँ मैं, मतलब कि इतना बुरा वीडियो भी नहीं रहता मेरा कि भाई यार उसमें व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, है ना। तो भाई अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं टोल पे, यहाँ पे भाई काश हमारा टोल लगता। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, भाई एक दिन यहाँ पे मेरा झगड़ा हो गया था तगड़ा वाला। तो भाई फाइनली रीवा पहुंच गया, और देखो रीवा में एंट्री होते ही अपना काम हो चुका है, लेकिन अभी इसका काम बचा हुआ है नीतीश का। रोहित आता तो उसका भी काम रहता, तो उसका हालांकि वहीं पे रहता जहाँ पे मेरा था, यूनिवर्सिटी पे ही। एंड नीतीश का हो मतलब वो रोहित का वहीं रहता, तो हम दोनों वहीं से काम करते हैं, वहीं से खाते निकल लेते। बट अभी हमारे साथ है नीतीश, अकेले भी आता ना तो मेरा ये इतना काम रहता, तुरंत मैं काम करता और तुरंत दफा हो जाता घर की ओर, है ना। बट अभी इसका काम है तो कोई बात नहीं, इसका काम भी कर लेंगे, उसके बाद निकलेंगे हौले हौले धीरे धीरे मस्ती मस्ती डोले डोले, समझ लो ना। तो भाई फिलहाल ट्रैफिक वाले एरिया पे आ चुके हैं, और भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है यहाँ पे। तो भाई एक बार मैं अपनी गाड़ी लेके आया था ना तो टच हो गई थी भाई, एक बच्चा आया सीधे साइड मिरर में ठक से मारा। यहाँ पे बहुत डर लगती थी भाई, क्योंकि यहाँ पे वन वे था ना, मतलब इन द सेंस वन वे नहीं टू वे ही था, उधर से भी आते थे इधर जाते थे। आई एम मिसिंग माई धूप भाई, इसके अंदर देख क्या है, मोजा है क्या रे, तौलिया है, शर्ट है, निकाल ली वाली शर्ट को। वैसे जिप्सी का लुक देख यार, बड़ी लगती है ना छोटी सी। अरे आज क्या है, संडे वनडे क्या? नहीं भाई आज फ्राइडे। फिर भी मार्केट बंद है यहाँ का, मतलब थोड़ा मंदा है मार्केट, थोड़ा मंदा है, मंदा 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 मंदा। वाओ नाइस मशीन, वाओ भैया वाओ, छा गए गुरु छा गए। सास बहु दुल्हन आ रा रा, पूरा खानदान, पूरा ससुराल है बेटा, यहाँ तो पूरा ससुराल है। मैं प्योर वेजिटेरियन, आई एम अ प्योर हिंदू, देखो सही बताऊँ तो भीड़ मुझे पसंद नहीं है एक भी, पर ये वाला एरिया तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सही बताऊँ तो मजबूरी में आना पड़ता है मेरा तो। मैं मेरे को भी काम भी पड़ा ना, फिर भी मैं इस एरिया पे नहीं आता, क्योंकि देखो भाई ऐसा कुछ वो नहीं है, बट मेरे को सही बताऊँ तो मेरे को मजा नहीं आता यार भाई, गर्मी में हालत खराब हो गई यार। मेरा तो सारा हो गया ना, ये भी मेरे साथ आया था रोहित, होता था उसके भी बैंड बजते, और भाई सोच रहे थे अभी गन्ने का जूस पी लेते, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है। और टेम्परेचर कितना होगा अप्रोक्स, 45 अप्रोक्स होगा, 38 बता रहा है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 2:16 चार बजे तक कितने बताएगा, मुझे लग रहा है 4 बजे तक पहुंच जाएगा आराम से 45। लेकिन फिर भी यार बहुत गर्मी अभी की, तो हालांकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है ना, तो अभी ये है कि ये चालू हो गई मशीन, बढ़िया मजे है। मोटर वाला का तो ठीक है, वैसा रहता तो बहुत दिक्कत जाती है, पर भाई अभी जूस पी
करूंगा और इसके बाद डायरेक्ट घर निकल जाऊंगा, मोटो ब्लॉग नहीं करूंगा क्योंकि वाइफ होने बैटरी भी कम हो गई। 2000 years later. तो भाई अभी भी जस्ट रीवा से आया था और बज रहे हैं 6, मैं तो आ गया 3 बजे। तो अभी फिलहाल मेरे को एक ऑफर मिला कि गांव जाके थोड़ा सा सामान पहुंचाओ, तो मैं जा रहा हूं भाई गांव, क्योंकि भाई गांव जाऊंगा, मस्त आराम से वॉलीबॉल का मैच खेलेंगे, उसके बाद आराम से आएंगे क्योंकि आज बाल भी कटवाने, दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है। तो मम्मी ने मेरे को सडनली ऑफर दिया कि गांव चले जाओ, सामान पहुंचा के आओ। तो हाँ तो भाई पहुंचा दिए, तो शुभ काम में देरी, जो करो सो आज करो। तो अभी भाई फिलहाल निकलता हूँ क्योंकि अभी ज्यादा ब्लॉग्स व्लॉग नहीं, तो अभी भाई निकलते हैं क्योंकि भाई मैं तो मतलब ऐसे टाइम पे ना 6 बज रहा देखो, और इतने टाइम में एग्जैक्ट वॉलीबॉल मैच स्टार्ट होता है क्योंकि अभी देखो धूप भी बहुत तेज है, देखो अंदर तक धूप आ रही है। तो अभी निकलता हूँ भाई, ठीक ना, डायरेक्ट वहां से आके मिलेंगे। ओके बाय। तो भाई अभी आए हम लोग, मैं तो गाँव आया था और भैया आ गया आग लगाने खेत में। वही गांव तो आया था लेकिन यहाँ पे खेत में थोड़ा आग लगाना जरूरी होता है। अभी इस वाले में लगेगा, फिर उस वाले में और उस वाले में, क्योंकि अभी तक बहुत दिन तक हो गया था कि नहीं लगाए थे, बट अभी लगाना जरूरी हो गया। अभी शाम को हम लोग आए थे, तो मतलब मैं तो गांव आया था सामान रखने के लिए और मन था वॉलीबॉल खेलने के लिए, लेकिन वॉलीबॉल का मैच आज हुआ नहीं। तो भाई ये भी जरूरी था कि पापा ने बोला था इसको टाइम पे लगा देना, क्योंकि हमने सबसे लेट लगाया क्योंकि जानवर थोड़ा इसको खा आ रहे थे ना पूरा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भूसा हमने हार्वेस्टर से कटाया था तो भूसा वगैरह बाकी था इसमें। तो आज फाइनली प्लान बना कि इसको आग लगा देते क्योंकि भाई इस टाइम पे हवा भी चलती है ना, तो आज मौसम कुछ ठीक था तो आज लगाना जरूरी हो गया था। चढ़ 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 आ गई आग, तगड़ी आग लगी भाई, है ना। ये बंदा जो आग लगा रहा है भाई पूरे गांव में, चार के चारों में लग रहे हैं भैया, और देखना भाई भयंकर लुक आएगा, चार के चारों में जब लग जाएंगे ना तो एकदम भयंकर लुक आने वाला है। यहाँ तगड़ा डिस्कशन चल रहा है क्योंकि भाई अभी लगेगा सट्टा, ये बंदा सट्टेबाज। ड्रीम इलेवन में सट्टा लगता है। 1 करोड़ जीत के आज आग लगा, कल 1 करोड़ जीते तो उसी खुशी में आग लगा रहे हैं, और बोलते ना कि माचिस होते दुनिया में आग लगा देते, ये बोलते 1 करोड़ जेब में होते दुनिया में आग लगा देंगे। गर्मी में और गर्मी में देखिए भाई, हम लोग गर्मी में आग भयंकर आ चला, सर्दी का मौसम तो एक नंबर रहता ना भाई, भाई भाई बहुत भयंकर आ गया, भयंकर। ये देखो भाई चढ़ 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 नजारे ही नजारे, ये भाई पूरा गांव में अलग दिख रहा है ना, एक नंबर मचाएंगे मुश्किल। हाँ भाई उल्ट सही तो लग रही यार, हवा इसी चल रही ना, हवा इसी चल रही भाई, यहाँ से ऐसे चल रही है भाई, एक नंबर लगी है भाई, बहुत भयंकर आँच है आम में, हम लोग ध्यान नहीं दिए भाई, और पूरा वो लपट आम में लग रही है, हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हल्का फुल्का गीले हैं वो। भैया जलेगा तो नहीं यार ये भाई, मर गए भाई मर गए, कसम से बता रहे हैं भाई भयंकर आग लगी, जल्दी लगाओ यार भयंकर आँच आ रही है पूरे गांव में क्रेडिट। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे चेज कर रही है ना, इसलिए जैसे आग पीछा कर रही है। आखिरी खेत है ये वाला, चलो भैया गर्मी में भयंकर आग, इसको क्रेडिट जाता पूरा आग लगाने का, ये असिस्टेंट इसने डायरेक्ट किया इसने, इसे आग लगने तक रुकना ना भाई, यार का धुआं यार, आखिरी लब्बा सो करो भैया, थोड़ी बैठे यहीं पे, माहौल खेत में लगी आग, पार्ट वन के लिए सारे पार्ट इसी में डलेंगे, इसी में सारे पार्ट डलने वाले, मेन रोड तो सब चल गया यार, आग लग गई। चलो भैया आप कुछ कहना चाहेंगे, आपने आग लगाई है खेत में, बोलना चाहेंगे आप कुछ कहना चाहेंगे असिस्टेंट, ये तो सट्टे वाले ड्रीम इलेवन टीम में पड़ रहा है, ड्रीम इलेवन टीम में हो गया, अभी फोन गिर गया था खुशी में, आज बदला चलेगा ऐसा कुछ मंजर, आग वाग लगा के बैठे हुए सबके सब, बस वो दो खेत के पूरे हो गए, एक वो वाला खेत का खत्म हो गया, उसका भी चल रहा सिस्टम, इसका सिस्टम बस लगभग खत्म, एंड इसका भी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है ना, आग लग गई भाई, वैसे मेरे अकॉर्डिंग आग नहीं लगानी चाहिए खेत में, बट फिर भी हो गया, लग गई तो लग गई कोई बात नहीं।